काराकाट में कुशवाहा की हार का कारण पवन सिंह या फिर भाजपा। जीत के जश्न में दामन पर लगा दाग, आइए जानते हैं किस चक्रव्यूह में फंसे पावर स्टार। बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उतरे भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने अपना काम कर दिया है। वो जीतेंगे नहीं, ये राजनीति के गहरे जानकारों को पहले से पता था। ये भी पता था कि वो भाकपा माले लिबरेशन के प्रत्याशी राजा राम सिंह को ही फायदा पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कोटे से महज एक लोकसभा टिकट पाकर संतोष करने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को ही नुकसान पहुंचाएंगे, ये भी पता था। इतना कुछ राजनीति के गहरे जानकारों को पता था तो राजनीति में नए नए उतरे पवन सिंह को किसी ने ये बताया क्यों नहीं होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में आसनसोल से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद इसे ठुकराने वाले पवन सिंह को भाजपा के दिग्गजों ने समझाया नहीं होगा। अगर आप इन सवालों के जवाब जानने जाएंगे तो बिहार के 40 में से इस एक सीट को पहले ही गंवाने की भाजपा की तैयारी शायद मान जाएंगे। खैर, ये सब राजनीतिक बातें हैं। अगर आप लोग पवन सिंह के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सब छोड़ के सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको सच बताते हैं। दरअसल काराकाट में जब गिनती शुरू हुई कि आखिर किसकी जीत हुई है किसकी हार हुई है, तो उस दौरान कुछ ऐसा खेल पवन सिंह के साथ हो गया कि आप सोचेंगे कि कहीं ये पवन सिंह के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं है। आपको बता दें कि जहां वोटों की गिनती होती है वहां पर पवन सिंह के समर्थक पहुंचकर हंगामे में जुट गए। कारण ये था कि शाम के 6 बज चुके हैं, फिर भी पावर स्टार पवन सिंह जीते या हारे ये स्पष्ट रूप से अभी तक सामने क्यों नहीं आया है। तो इसके जवाब में कुछ लोगों का कहना था कि अभी गिनती पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, अभी 7वें चरण की गिनती बाकी है। तो कुछ लोगों का कहना था कि लंच ब्रेक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आधे एक घंटे के लंच ब्रेक में 3 घंटा कैसे लग गया, 3 घंटे से गिनती बंद है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार के काराकाट में पवन सिंह को राजा राम सिंह ने 89,000 वोटों से पीछे किया हुआ है। अब इसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि इतने हजार वोटों से जब पवन सिंह पीछे हैं, तो क्या वो 7वें चरण की गिनती में आगे आ पाएंगे या नहीं। इस वजह से अब कयास ये लगाया जा रहा है कि पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पावर स्टार इस समय कहाँ हैं? उनके तरफ से ना ही कोई अपडेट सामने आया है, ना ही उनकी एक झलक भी मीडिया वालों को देखने को मिली है, ना ही कोई नामों निशान है। अब पवन सिंह जीते या हारे इस बात का स्पष्ट खुलासा तो तभी होगा जब गिनती पूरी हो जाए और स्पष्ट रूप से न्यूज पे ये सामने दिखाया जाए कि पवन सिंह हार गए या पवन सिंह जीत गए। लेकिन जिस तरह का गणना अभी तक सामने आया है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि पवन सिंह को राजा राम सिंह ने पीछे छोड़ दिया है और पवन सिंह की हार निश्चित है। कुशवाहा तो हार चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजा राम सिंह काराकाट से अपनी पकड़ मजबूत किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वही काराकाट के अगले सांसद बनेंगे। बहरहाल आपको इन सब पर क्या कुछ कहना है, क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।